आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। भाजपा कार्यालय में नए जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा का आगाज, अधिकारियों को अल्टीमेटम, सुधर जाइए वरना सरकार तक पहुंचेगी बात। सोमवार 18 सितंबर 2023 को भाजपा कार्यालय जुरई में नए जिलाध्यक्ष ने भाजपा के दिग्गज नेताओं और बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में अपनी नई पारी की शुरुआत की। कार्यक्रम का भव्य आयोजन मनीष पांडे, नागेंद्र सिंह व कई ग्राम प्रधानों के साथ कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था। कार्यक्रम के दौरान औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने समाजवादी पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि जहां भारतीय जनता पार्टी एक साथ लिस्ट जारी करती है, वहीं समाजवादी पार्टी के लोग एक एक कर पदाधिकारियों की लिस्ट जारी करते हैं ताकि मीडिया यह सवाल न पूछ सके कि समाज के सभी वर्गों को शामिल किया गया या नहीं। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बसपा और कांग्रेस काफी पीछे चली गई है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर विशेष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कोई पदाधिकारी बनाए या न बनाए, टीवी डिबेट में भेजने के लिए मीडिया प्रमुख जरूर बना देती है। इसके साथ ही औराई विधायक ने जनपद में हुए तमाम विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि 2024 में सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को एक साथ मिलकर नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना है। वहीं पूर्व विधायक रविन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो स्थान एक बड़े नेता का है, उससे कहीं बड़ा स्थान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। अब कार्यकर्ताओं को निराश होने की जरूरत नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर 2024 में पार्टी को जीत की दहलीज के पार ले जाना है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने पूर्व जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव के लिए इशारों में कुछ ऐसा कहा कि वह नाराज होकर कार्यक्रम से चले गए। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने कहा कि ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही दावेदार था, मुझसे आगे कई दावेदार थे, लेकिन 2024 में नई रणनीति के तहत पार्टी ने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि सांसद, विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुखगण, पूर्व जिलाध्यक्षों, वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मदद से मुझे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को जनपद में और अधिक मजबूत बनाना है ताकि पार्टी 2024 में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सके। वहीं बीते काफी समय से तहसीलों में ठीक तरह से जनता की समस्याओं का समाधान न होना और एक जिलाध्यक्ष के रूप में जनता दर्शन के दौरान जमीन विवाद से संबंधित समस्याओं की चुनौती से पार पाना जैसे सवालों पर जवाब देते हुए दीपक मिश्रा ने कहा कि जन प्रतिनिधियों और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मिलकर यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी जनता के साथ दुर्व्यवहार करता है या जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं करता है तो उसके खिलाफ सरकार से शिकायत की जाएगी। लापरवाही करने वाले कर्मचारी या अधिकारी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, पूर्व विधायक भदोही रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, पूर्व जिलाध्यक्ष संतोष पांडे, पूर्व जिलाध्यक्ष व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हौसला पाठक, वरिष्ठ भाजपा नेता राकेश दुबे, श्रीनिवास चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्र, टंकी गुरु, ओम प्रकाश पांडे, मनीष पांडे, नागेंद्र सिंह, सपना दुबे, प्रभारी ब्लॉक प्रमुख डीघ मनोज मिश्रा, जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र पाल, विनय कुमार पांडे गोरेलाल, चंद्रशेखर सिंह, मनीषा अंबश, गजौ शुक्ल व अन्य जनप्रतिनिधिगण के साथ साथ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आज ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा है कि जब कोई नया जिलाध्यक्ष नियुक्त होता है तो जो निवर्तमान जिलाध्यक्ष हैं उनको वो एक उनके लिए आशीर्वाद और स्वागत कार्यक्रम रखते हैं, उन्हें पदभार सुपुर्द करते हैं और वो शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने हमें पदभार सुपुर्द किया। और इस अवसर पर सभी वरिष्ठ नेतागण, पूर्व जिलाध्यक्ष, सभी विधायक सांसदगण सब ने हमें आशीर्वाद और सलाह स्वरूप बातें अपनी की और सभी कार्यकर्ताओं ने सम्मान दिया। इसी तरह का जो परंपरागत कार्यक्रम है वही कार्यक्रम आज भी संपन्न हुआ है। आने वाले समय में 2024 के चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति? देखिए, पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों में और पैनापन लाना और संगठन को चुस्त दुरुस्त करके 2024 के लिए तैयारी करना। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस था, उनके जन्मदिवस 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है। उस क्रम में आज रक्त शिविर, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया,
जो कि सरकारी अस्पताल ज्ञानपुर में चल रहा है। सुबह मैं वहाँ गया भी था, सुबह 7-8 लोगों ने रक्तदान किया भी था और बाकी 150 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया है आज। और उसमें युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कपिल मिश्रा जी के नेतृत्व में युवाओं की पूरी टीम वहाँ लगी हुई है। और आश्चर्य की बात आपको बताएं कि वहाँ पे दो बहनें भी, सुबह जब मैं पहुँचा तो सबसे पहले दो बहनों ने रक्तदान किया, जो निश्चित रूप से युवाओं में ये भावना बढ़ी है कि हमें समाज सेवा की तरफ आगे बढ़ना है। और इसी क्रम में निःशुल्क स्वास्थ्य मेला 23 और 24 तारीख को सभी सीएससी पीएससी पे आयोजन किया गया है और 17 तारीख से लगातार आयुष्मान कार्ड का वितरण कार्यक्रम भी चल रहा है। ये हर ग्राम सभाओं में किया जा रहा है, सरकारी स्तर पर भी, और सभी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण भी सहयोग पूरा दे रहे हैं। माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का ये कथन है कि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति के लिए नहीं है, वो लोक कल्याणकारी सभी योजनाओं और सेवा के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से संगठन ने मुझे ये दायित्व दिया है तो संगठन ने एक संदेश भी दिया है कि संगठन अब एक नए ट्रैक पर और तेजी से और गति से आगे बढ़ने की सोच रखती है। उसी क्रम में ये जिम्मेदारी मुझे मिली है और निश्चित रूप से मैं युवा हूँ, युवाओं का पूरा सहयोग है। आप लोग देख रहे हैं जिस प्रकार से युवाओं में जोश है, उत्साह है। निश्चित रूप से हम युवाओं के सहयोग और वरिष्ठों के आशीर्वाद और उनके सलाह से निश्चित रूप से हम एक मजबूत संगठन और सभी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक उतारने में कोई कोर कसर हमारे कार्यकर्ता नहीं छोड़ेंगे। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ेंगे ताकि 2024 का चुनाव हम प्रचंड मतों से भी जीतें। और मोदी जी ने जो स्वप्न देखा है इस देश को विकसित बनाने का, विश्व गुरु बनाने का, वो तभी संभव होगा जब सभी लोक कल्याणकारी योजनाएँ धरातल पर ईमानदारी से उतरे। इसके लिए जो सरकारी मशीनरी लगी हुई है सो लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर जिले स्तर तक लगे हुए हैं। इसलिए इन योजनाओं में बहुत ज़्यादा पारदर्शिता के साथ लोगों को लाभ मिल रहा है। कई कुछ कार्यकर्ताओं की शिकायत रहती है कि हमारे जो उनसे पदाधिकारी जिला स्तर पदाधिकारी हैं उनकी बातों कहीं कहीं नहीं सुनी जाती है, इस पर क्या आगे निर्णय? देखिए, इस तरह की अभी जानकारी हमें नहीं हुई है, लेकिन बहुत बड़ा संगठन हमारा है, हो सकता है भूल चूक वश किसी की बात अनदेखी हो गई हो वरिष्ठों से, मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन पूरा प्रयास होगा कि किसी भी कार्यकर्ता के आन मान शान पे कोई भी आँच ना आने पाए। इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करूँगा, उनके बीच में रहूँगा और उनके साथ काम करूँगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा। इन विवादों को लेकर अक्सर चर्चा में रहता है और चूँकि जन सुनवाई के दौरान आपके सामने भी इस तरह की समस्याएं आएंगी, तहसीलों का जो रवैया रहा है अब तक जनपद में बहुत अच्छा नहीं रहा है, आपके क्या प्रयास होंगे किस तरह से जनता की इन समस्याओं का समाधान? देखिए, जनता की जो समस्याएं हैं, इस तरह की अगर जो समस्या होगी तो इन सभी समस्याओं को संगठन और सरकार कोऑर्डिनेशन बनाकर हम लोग काम करेंगे। हम एक मंच पर एक साथ, हम सांसद जी, विधायक, हमारे ब्लॉक प्रमुखगण, जो जनप्रतिनिधि है, पूर्व प्रतिनिधिगण, पूर्व जिलाध्यक्ष, सब मिल बैठ के हर समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से अगर इस तरह की शिकायतें तहसील का रवैया या अधिकारियों का रवैया, जिनका भी रवैया ऐसा रहेगा कि जो समाज में रह रहे लोगों के खिलाफ चल रहा है या होगा, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ हम लोग शिकायत भी ऊपर सरकार को करेंगे और उनके खिलाफ कदम, ठोस कदम भी उठाएंगे। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।